हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। तो दोस्तों, जो सीरीज़ हमने शुरू की है बुक रिव्यू की, वो बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये उसका पहला वीडियो है उस सीरीज़ का, और इस वीडियो में हम इस बुक की शुरुआत करने वाले हैं। ये वीडियोस कुछ लंबे होंगे, तो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक टाइम टू वॉच दिस वीडियो अप टू लास्ट। अगर आप ये वीडियोस पूरे देख लेते हैं तो इस बुक का पूरा रिव्यू आपको पता चल जाएगा, और अगर आपने ये बुक समझ ली तो आपके थिंकिंग पैटर्न में बहुत चेंज आएगा, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था। और ये बुक आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेगी, और इससे आपको बहुत इफ़ेक्टिव चेंजेस अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो राइटर इस बुक की शुरुआत करता है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो हैं, वो कहते हैं कि ये बुक लिखने के पीछे मेरा जो पर्पस था, उस पर्पस के पीछे क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस सारे उनके रीडर्स से पूछते हैं। वो क्वेश्चन हमारे कॉमन लाइफ क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर्स हम ढूंढते रहते हैं लाइफ में। और कभी कभी जब हम डिप्रेस्ड या डिसअपॉइंट होते हैं तो हम अपने आप से भी कन्फर्म करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 6-7 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे अपने रीडर्स से। उनमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो अनसक्सेसफुल होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना हार्डवर्क किए, बिना मेहनत किए, बिना प्रयास किए उनको सफलता मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? आप कहेंगे कि उनकी किस्मत ऐसी होती है या उनके मेहनत में कुछ इफेक्ट होता है। बट राइटर इस बुक में इसका एक अलग एंगल हमें दिखाने वाला है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, दयालु हृदय के होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, परेशान होना पड़ता है, कई बार उनको चीट और फॉर्जरी को भी फेस करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल रिलीजियस नहीं होते, धार्मिक नहीं होते, वो हमेशा बहुत सारे पाप कर्म करते हैं, बहुत सारे लोग उसे सताते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ऐसा क्यों होता है? एक क्वेश्चन वो राइटर ये भी पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और अपने जो प्रोफेशन है उसको वो बहुत अच्छे से निभा पाते हैं, लेकिन दूसरे हैंड पे एक ऐसी भी कैटेगरी होती है लोगों की जो अपने प्रोफेशन में बहुत फेलियर होते हैं या अपने प्रोफेशन को ठीक ढंग से वो नहीं निभा पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक क्वेश्चन ये राइटर ये भी पूछते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ गंभीर बीमारियों से भी उबर के आ जाते हैं, वापस ठीक होके आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं वो उन बीमारियों को सर्वाइव नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? तो इन क्वेश्चंस को लेके, इन क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर हमारे पास होते हैं। हम कहते हैं कि ये किस्मत वाली बात होती है, या हम कहते हैं कि इसमें इंसान का हार्डवर्क होता है, या हम कहते हैं कि उसके स्टार साइंस का इफ़ेक्ट होता है। लेकिन इस बुक में इन चीज़ों के बारे में कोई डिनायल नहीं है, लेकिन इस बुक के अंदर जो राइटर है वो इन आंसर्स के क्वेश्चन एक अलग एंगल से दे रहा है। वो कहते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके दिमाग में छुपे हुए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसे एक्ट करता है, वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में रिजल्ट में आती हैं। तो ये तो थी राइटर की बात। दूसरी जो चीज़ इन वीडियोस में हम देखेंगे वो एक ओरेटर्स फ्लेवर भी है। ओरेटर्स फ्लेवर इन द सेंस कि मैं इस बुक का जो रिव्यू आपको दे रहा हूँ, इसका जो ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, इसमें मेरी तरफ से भी कुछ फ्लेवर्स मैंने ऐड किए हैं। वो फ्लेवर्स ये हैं कि इस बुक को हम अपनी पूरी सनातन संस्कृति से जोड़ के देखेंगे, हमारे धर्म में या हमारे जो धार्मिक किताबें हैं उन किताबों में, किताबों से ये बुक कैसे कनेक्ट करती है। तो सारे जो इसके टेक्निक्स हैं जो इस राइटर ने यूज़ किए हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए, वो सारी टेक्निक्स को हम अपने सनातन संस्कृति से भी जोड़ के देखेंगे। तो ये हुआ ओरेटर्स फ्लेवर। अच्छा, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वीडियोस थोड़े से लेंदी होंगे, तो आप समय निकालें, उन वीडियोस को पूरा देखें। इस बुक में हम टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज इस बुक का रिव्यू लेते चलेंगे, और इस बुक में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए, ये वीडियो हम आज शुरू करते हैं।
तो दोस्तों इस बुक की शुरुआत में जो राइटर हैं वो इस बुक के मिरेकुलस इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी इसके चमत्कारिक प्रभावों के बारे में डिस्कस करते हैं। राइटर कहते हैं कि मैं खुद एक बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित था, जिस बीमारी का नाम सार्कोमा है। आप गूगल करके इस डिसीज़ के बारे में देख सकते हैं। तो इनको सार्कोमा डिसीज़ थी और उन्होंने ये सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक्स को यूज़ करके उस बीमारी को बिना किसी मेडिकल प्रिकॉशन के, बिना किसी मेडिकल हेल्प के उस बीमारी को ठीक किया। ये एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। इसके अलावा कई सारे एग्जाम्पल इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में राइटर ने दिए हैं, जो इसके मिरेकुलस इफेक्ट कई लोगों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उनके बारे में उन्होंने बताया। तो इस टेक्निक की शुरुआत राइटर कर रहे हैं प्रेयर से। तो जो पहला फीचर इस बुक का है वो है प्रेयर। दोस्तों प्रेयर हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में प्रेयर एक डेली प्रैक्टिस है। दिन में जो कई सारे लोग हैं दिन में 2 या 3 बार प्रेयर करते हैं, वो प्रेयर आरती के फॉर्म में होती है, वो प्रेयर संध्या वंदन के तौर पे होती है, वो प्रेयर भजन के तौर पे होती है, वो प्रेयर कीर्तन के तौर पर होती है, या वो प्रेयर मेडिटेशन के तौर पर होती है। तो इस बुक का जो फर्स्ट फीचर है जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया है वो है प्रेयर। और प्रेयर के बारे में वो एक क्रिश्चियन टेक्निक सुझाते हैं जिसमें कन्फेशन होता है, चर्चेज में जाके लोग प्रेयर करते हैं। बट सनातन संस्कृति के एंगल से देखें तो प्रेयर बहुत ही ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है सनातन संस्कृति में, और सारे जो सनातनी लोग हैं वो डेली प्रेयर करते हैं। अब इस बुक में आगे ये है कि प्रेयर का जो रीज़न होता है वो क्या होता है। जनरली अगर इसमें थोड़ा सा और बारीकी से इसको स्टडी किया जाए तो प्रेयर एक कॉमन चीज़ है जो हम दिन में कई बार करते हैं। भगवान को आप प्रे करते हैं, एक टाइम टू टाइम करते हैं, सुबह भगवान की पूजा होती है तब आप प्रेयर करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं एक्सेट्रा। लेकिन इसके अलावा भी हम कई बार भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके, जैसे कि भगवान ट्रेन लेट ना हो जाए, या भगवान बस ना निकल जाए, या भगवान मैं पास हो जाऊँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बहुत स्मॉल स्मॉल चीज़ों के लिए हम प्रे करते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हाउ वेल यू प्रे, यानी वो प्रेयर आप कितने डीप कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में करते हैं, इसी बात पे इस बुक में ज़्यादा फोकस है। और इसी बात को उन्होंने गहराई से समझाया है कि आप प्रेयर करते हैं, हर आदमी प्रेयर करता है, कुछ घंटों तक करते हैं, कुछ कुछ सेकंड्स के लिए करते हैं, कुछ दिन में 2-3 बार करते हैं, कुछ दिन में 1000 बार करते हैं। बट डिपेंड ये करता है कि हाउ कॉन्शियसली यू प्रे। आप उस समय जब आप प्रेयर कर रहे होते हैं, या प्रे कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, या कीर्तन कर रहे होते हैं, या भजन कर रहे होते हैं, वो जो भी पैटर्न आपका है, आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो आपकी मेंटल स्टेट उस समय क्या होती है, हाउ वेल यू प्रे। अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप जितने बेहतर तरीके से प्रार्थना करते हैं उतना बेहतर उस प्रार्थना का इफेक्ट आपके ऊपर और आपकी लाइफ के ऊपर होता है। यानी आप कितने कॉन्शियसली उस प्रेयर को भगवान को समर्पित करते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो प्रेयर आपके लिए इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। दोस्तों इस बुक में ये भी कहा गया है कि जो प्रेयर इफेक्ट है वो तब से एग्जिस्ट करता है, इटर्निटी से एग्जिस्ट करता है, जब इस अर्थ पर, यानी जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, जहाँ पर कोई इंसान ही नहीं था। दोस्तों इस बुक में कॉमनली मैंने एक जो चीज़ नोटिस की वो है इटर्निटी शब्द इस बुक में काफ़ी बार इस्तेमाल हुआ है। और इटर्निटी शब्द को हम लोग जनरली ट्रांसलेट करते हैं सनातन शब्द में। तो जब ये राइटर कहते हैं कि प्रेयर इफेक्ट, मेडिटेशन इफेक्ट, वर्शिप इफेक्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं इटर्निटी से चली आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि सारी जो टेक्निक्स हैं जो ये लोग अभी ढूंढ पाए हैं ये तब से चली आ रही हैं, तब से मीन्स सनातन हैं ये सारी चीज़ें, और इन्फिनिटी से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सनातन संस्कृति में जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ फॉलो किए जाते हैं, जो भी हमारे सांस्कृतिक अवधारणाएँ हैं, या जो सारे टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं हमारे डेली लाइफ में, हमारे पूरे ईयर में जो सारे फेस्टिवल्स, उन फेस्टिवल्स पे किए जाने वाले रिचुअल्स, और जो सारे धार्मिक
प्रथाएं जो हम मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं वो सारी जो हैं उनमें कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ ज़रूर है और वो इटर्निटी से है, यानी वो हमने नहीं बनाई है, वो इटर्निटी से जो वैल्यूज़ हमारे मॉन्क्स ने और सेंट्स ने रिसीव किए और उनको एक ट्रेडिशन में कन्वर्ट करके हम लोगों को हैबिट्स में लेके आए, वो इटर्निटी से बिलोंग करती हैं। दोस्तों, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है उसकी टैगलाइन है द ट्रेजर हाउस विद इन यू, यानी आपके अंदर जो ट्रेजर छुपा हुआ है, जो खजाना छुपा हुआ है, उसके बारे में इसके फर्स्ट चैप्टर की टैगलाइन शुरू होती है। तो दोस्तों, ये ट्रेजर हाउस विद इन यू क्या है? हमारे सनातन संस्कृति में जो विवेकानंद कॉमनली कहते थे कि द एवरीथिंग इज़ विद इन यू, ये वही बात है। द ट्रेजर हाउस विद इन यू मीन्स एवरीथिंग इज़ रिसाइडिंग इनसाइड यू। दोस्तों, अगर एवरीथिंग इज़ विद इन यू, इस पूरी लाइन को अगर हम एलैबोरेट करें, इसको हम डिटेल में जांचने की कोशिश करें, तो एवरीथिंग इज़ विद इन यू का मतलब ये निकलेगा कि आप प्रार्थना के द्वारा या आप मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर जो छुपा हुआ भगवान है, छुपे हुए भगवान हैं, उनको आप ढूंढ निकाल सकते हैं, उनको आप खोज सकते हैं। जो आपके अंदर छुपा हुआ लव है, आपके अंदर छुपा हुआ जो डिवोशन है, आपके अंदर छुपी हुई जो इटर्निटी है, वो आप खुद एलैबोरेट कर सकते हैं, खुद आप उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। अगर हम अंदर छुपे हुए हमारे परमात्मा को पहचान लेते हैं तो हम मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इस बुक में एक एग्जाम्पल है कि अगर एक मैग्नेट है, यानी एक चुंबक है, तो वो अपने बराबर से थोड़े ज़्यादा वजन के लोहे को लिफ्ट कर सकता है, वो मैग्नेटाइज है, उसके अंदर चुंबकत्व का गुण है। अगर उस चुंबक को आप डीमैग्नेटाइज कर दो तो वो उस लोहे के टुकड़े को नहीं उठा पाएगा। इस एग्जाम्पल को वो इंसान के सेल्फ रियलाइजेशन से कनेक्ट कर रहे हैं। आप मैग्नेटाइज्ड हैं जब आप अपने अंदर के छुपे हुए परमात्मा को पहचान लेते हैं, आपके अंदर छुपे हुए इटर्निटी के जो गुण को आप पहचान लेते हैं, तो आप मैग्नेटाइज्ड हैं, आप कॉन्फिडेंस को अट्रैक्ट करते हैं, आप लक को अट्रैक्ट करते हैं, आप अपने जो थॉट्स हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, उनके जो आउटकम हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं। और अगर आपने उसको नहीं पहचाना है, उस भाव को, उस गुण को नहीं पहचाना है, तो आप डीमैग्नेटाइज्ड हैं, आपकी जो भी डिज़ायर्स होंगे वो पूरे नहीं होंगे। दोस्तों, इस बुक में एक और शब्द रिपीट हुआ है, वो है द मास्टर सीक्रेट ऑफ द एजेस। आपसे वो सवाल करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस युग में इंसानों ने क्या ऐसा किया है जो नोटिसेबल है, जो तारीफ के काबिल है, अगर आप इसको आंसर करें कि उन्होंने ब्लैक होल खोज लिए हैं, तो वो नहीं है। अगर आप कहें कि उन्होंने न्यूक्लियर पावर खोज लिया है, एटमिक एनर्जी खोज ली है, तो ये भी कोई नोटिसेबल चीज़ नहीं है, इट्स अ साइंटिफिक इन्वेंशन। लेकिन इसका आंसर है जिन भी लोगों ने अपने सेल्फ को खोज लिया है, अपने सेल्फ को ढूंढ लिया है, अपने अंदर बैठे परमात्मा को पहचान लिया है, वही एक नोटिसेबल खोज है, क्योंकि उसी से रेवोल्यूशन पैदा होता है, उसी से क्रांति जन्म लेती है। लेकिन बहुत ही कम लोग इसको ढूंढ पाते हैं, खोज पाते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट प्लेस वो होता है जो हमारे अंदर है, और वहाँ आप सबसे आखिरी में खोजने जाते हैं। हम पूरे वर्ल्ड में तलाश करते हैं, पूरी दुनिया में ढूंढते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, दूसरे प्लैनेट्स पे जाते हैं, एलियंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और तब तक हमारी उम्र पूरी हो जाती है, और उम्र के लास्ट में आते आते हमें पता चलता है कि जो भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो अनंत है, इनफाइनाइट है, उस पर ह्यूमन लाइफ में जीवित रहते उन चीज़ों को नहीं ढूंढा जा सकता। और लास्ट प्लेस जहाँ पे वो चीज़, वो सीक्रेट, वो मिरेकल पाया जा सकता है, वो है आपका सेल्फ, आपका सबकॉन्शियस माइंड, और बहुत ही कम लोग इसको ढूंढ पाते हैं, क्योंकि वो वहाँ खोजते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि वो सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, उसको हम एक्सेस कैसे करें, उसको हम यूज़ कैसे करें। तो दोस्तों, इस बुक में सिंपली कहा गया है कि आपको इसको अक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इसे पजेस करते हैं। पजेस करते हैं मीन्स आपके अंदर ये ऑलरेडी है, वो पावर जो सारी है वो आपके अंदर है, बस आपको एक चीज़ सीखनी है कि इसको यूज़ कैसे करें। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कैसे करें। अगर आपने ये सीख लिया कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे डील करें, कैसे हैंडल करें, कैसे उसका इस्तेमाल करें, तो आप फिर अपनी लाइफ में उसको किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पर्पज़ रिच होने के लिए हो सकता है, अपना लुक्स इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है, अपनी इंटेलिजेंसी इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है, अपने आर्ट्स ग्रो करने के लिए हो सकता है,
या जो भी आप चाहते हैं उन चीज़ों को आप अपने अंदर ग्रो करने के लिए उस सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बुक में अब जो सारी टेक्निक्स पे हम बात करेंगे, वो सारी टेक्निक्स आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हैंडल करने में, सबकॉन्शियस माइंड को अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में यूज़ करने में हेल्प करने वाली टेक्निक्स होंगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखें तो वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो बात शायद आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर देगी। वो बात है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में अनंत बुद्धिमत्ता, अनंत ऊर्जा और अनंत चीज़ें जो आपके लिए आवश्यक हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में रिसाइड करती हैं। और अगर आप एकदम रिसेप्टिव स्किल में हैं, ओपन माइंडेड स्टेट में हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने रिवील हो जाती हैं हर सेकंड, या इसी सेकंड वो सारे इंटेलेक्चुअल आइडियाज़, वो सारे क्रिएटिव आइडियाज़, वो सारी एनर्जी, वो सारे पावर्स और वो सारी इंटेलिजेंस आपको इंट्रोड्यूस हो जाएगी, यानी आपके माइंड में अपने आप आ जाएगी अगर आप रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो। और दोस्तों, जब वो इंटेलिजेंसी हमारे ब्रेन के अंदर आती है तो इससे हमारे अंदर नए थॉट्स और नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं, इससे वर्क ऑफ आर्ट पैदा होता है, दुनिया में नई डिस्कवरीज होती हैं, नई खोजें होती हैं, नई नई इंटेलिजेंसी पैदा होती है और कई तरह के मिरेकुलस वर्क होते हैं। इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करके अपने लिए बेटर जो भी हो सकता है वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप एक अच्छी कंपेनियनशिप ढूंढ सकते हैं, अच्छा एक बिज़नेस पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी अर्निंग्स आप रिसीव कर सकते हैं, बहुत सारी इंटेलिजेंसी, बहुत सारा नॉलेज आप रिसीव कर सकते हैं, बहुत सारी एनर्जी आप रिसीव कर सकते हैं, या आप जिस भी फील्ड में मास्टरी चाहते हैं वो आप रिसीव कर सकते हैं। सिर्फ एक रिसेप्टिव स्किल ऑफ माइंड, जो आपके अंदर रिसेप्टिव ब्रेन स्टेट होती है, उसमें जाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये सारी चीज़ें आप एक क्षण में रिसीव कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से इन सारी चीज़ों को एक्सेस करना सीख जाते हैं, यानी प्राप्त करना सीख जाते हैं, तो आपके अंदर एक भाव जनरेट होता है जिसमें सिक्योरिटी होती है, जिसमें आनंद होता है, जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, और आप अपने एग्जिस्टेंस को यानी अपने अस्तित्व को एंजॉय करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, इस सबकॉन्शियस माइंड के पावर को कैसे इस्तेमाल करें, इसको सीखने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि इसके सिद्धांत क्या होते हैं। अगर आप इसके सिद्धांत को समझ जाते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ईजीली एक्सेस कर पाएंगे और इसका ठीक ठीक यूटिलाइज कर पाएंगे। दोस्तों, इस प्रिंसिपल को इस किताब में इस तरह समझाया गया है कि अगर आप हाइड्रोजन के दो अणु लें और ऑक्सीजन का एक अणु लें और आप इनको मिलाएं तो उससे पानी बनता है। और ये ओकेजनल प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल वही होता है जो हमेशा लागू होता है। तो अगर आप हमेशा कभी भी एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के अणुओं को मिलाएंगे तो उससे वाटर ही बनेगा। दोस्तों, पानी इस प्लैनेट पर रहने वाले सारे क्रिएचर्स के लिए, सारे इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अर्थ पर जितनी भी हर्ब्स होती हैं, जितने भी ट्रीज होते हैं, उनमें पानी बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर आप एक कार्बन का अणु और एक ऑक्सीजन का अणु मिला दें तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है सभी के लिए। तो अगर आप इन अणुओं में चेंज करते हैं तो प्रिंसिपल यही कहता है कि आप जिस अणु को जिस हिसाब से मिलाएंगे उस हिसाब से उसका आउटकम आपको मिलेगा। अगर आपको किसी चीज़ को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है तो आपको उसके सिद्धांत सबसे पहले समझने पड़ेंगे। दोस्तों, केमिस्ट्री के सिद्धांत, फिजिक्स के सिद्धांत और मैथमेटिक्स के सिद्धांत हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक ठीक तरह से इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं तो आपको इसके प्रिंसिपल्स सबसे पहले समझने पड़ेंगे। अब दोस्तों, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो अपने आप में ही एक सिद्धांत है, और ये सिद्धांत जो है वो बिलीफ सिस्टम के लॉ पर काम करता है। तो अब ये बिलीफ सिस्टम क्या होता है, ये बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है और ये बिलीफ सिस्टम क्यों काम करता है, इसको हम समझेंगे इस वीडियो के यानी इस चैप्टर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए मैं आपसे गुड बाय कहना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। तब तक के लिए बाय।